ओम शांति। 18 जून 77 अव्यक्तवाणी। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है वा वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है वा वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती वा वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है वा वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है वा वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है वा वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो, कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है, ऐसे एवर रेडी हो जो सेकेंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको वा स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो। अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे, तैयार हो वा समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा वा योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे वा निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। योग क्यों नहीं लगता वा निरंतर योग क्यों नहीं रहता, योग की पावरफुल स्टेज कैसी बने। अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही
छिटकिया बाप दादा के मिलती है, उससे क्या समझ जाए सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल न कर सके वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग योग करते परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप न करेंगे तो कौन करेगा, थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। सिर्फ मदद दे बाप नहीं है, आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है? विशेष कमजोरी यह है, जो हर शक्ति को वा हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए वा मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? वन इन एडवांस विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में भी कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखना नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है,
परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो व अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर व पांच विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हो, तो यह मॉडल किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिटकियां नहीं लिखना, बाप को हंसी आती है। छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। रचना अपनी, कर्मबंधन अपना बनाया हुआ और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना वा खुद ही करना। बाप बताने के लिए निमित्त है वा करने के लिए भी निमित्त है। नटखट हो जाते हैं ना? नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं। करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले। संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। हर सेकेंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते। तीनों लोकों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे तो बुद्धि बिल्कुल बिजरूप स्थिति में सेकेंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो, अति विस्तार और स्टॉप। ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम न लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगावे
तो शूट किया जाए। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे यह है सूक्ष्म प्रैक्टिस। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में 5 विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए, परिस्थितियां खींचेंगी। ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल न होगी तो पास न हो सकेंगे। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि यह कहां तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए, स्टॉप कहना और होना। यह है अष्टरत्नों की सौगात, एक सेकेंड भी यहाँ वहाँ नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है, बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियाँ तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में है यह विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया है। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए। ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करे। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।